कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शोरमा सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोमाना और आज मैं लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई तंदूरी। गाइस, सबसे पहले हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो उसके लिए लेंगे हम लोग 150 ग्राम दही। उसके बाद इसमें डालते हैं फ्रेश क्रीम 1/2 कप। उसके बाद डालते हैं 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। उसके बाद डालते हैं 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार, और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली हूँ, ये 3 हरी मिर्चियों को क्रश करके ली हूँ, और थोड़ा सा धनिया ली हूँ। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। ऑलरेडी अच्छे से मिक्स, हमारा क्रीमी सा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं चिकन, डालते हैं इसमें चिकन। यहाँ पे मैंने 1.5 केजी चिकन ली हूँ और गाइस चिकन को मैंने ऐसे कट्स लगा के लियो ताकि चिकन में अच्छे से अंदर तक मसाले लग जाए और हमारा चिकन एकदम चूसी और टेस्टी हो। और इसी तरीके से हम लोग सारे पीस को मसाला लगा कर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे चिकन को मसाले लग चुके हैं, तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। और सॉरी गाइस, मैं आपको उसमें मैंने 1 लेमन का जूस भी डाली हूँ, वो दिखाना मैं आपको भूल गई थी, तो आप लोग ज़रूर डालना, मैंने भी डाली ऊपर से, आपको दिखाना भूल गई थी। तो मिलती हूँ आपको 1 घंटे के बाद, कवर करती हूँ और रखती हूँ उसको फ्रिज में। यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है और गाइस यहाँ पे मैंने ली हूँ एक फ्राई पैन, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूँगी, फिर इसमें डालूँगी अमूल बटर और बटर को मेल्ट होने दूँगी अच्छे से। डालते हैं चिकन, तो गाइस हम लोग इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट ऐसी फ्राई करेंगे, देन उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। गाइस अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तो गाइस मैंने इसकी साइड चेंज कर ली हूँ। अब मैं इसको कवर करूँगी और इसको 10 मिनट तक इसके ही जूस में पकने दूँगी। गाइस रेडी है यहाँ पे हमारी चिकन मलाई तंदूरी, मैंने इसको 15 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच में इसको इसके जूस में पकाई हूँ। तो अब मैं करती हूँ फ्लेम को ऑफ और इसको मैं एक स्मोकी फ्लेवर दूंगी। मैंने कोयला भी गर्म करने रखी हूँ, तो गाइस अब हम इसमें रखते हैं कोयला और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसको कवर करेंगे और 2 मिनट इसको ऐसे ही रखेंगे। तो गाइस सर्व हो चुकी है हमारी चिकन मलाई तंदूरी, तो आप भी अपने घर पे बनाइए और कैसे बन रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।